आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं खबरों की। भारतीय किसान यूनियन अंबाता गुट ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया और सरकार पर संयुक्त किसान मोर्चा से किए गए वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। धरना देने के बाद किसानों ने 5 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन दिया, जिसमें राष्ट्रपति को संबोधित किया, वही मजिस्ट्रेट को भी संबोधित किया। ज्ञापन में कहा गया कि सरकार ने वादा खिलाफी किया है। किसानों से वादा किया गया था कि देश के किसानों के लिए MSP पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कमेटी का गठन नहीं किया है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार पूरे देश में हर जिले पे DM को ज्ञापन दिया जा रहा है और DM के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन जाएगा, क्योंकि इस सरकार ने जो हमारा पूरे देश का किसान आंदोलन कर रहा था, उसमें जो जायज हमारी मांगों सभी मांगों को जायज समझकर उन्होंने आश्वासन दिया था, आज वो वादा खिलाफी कर रहे हैं। इतने दिन बीत जाने के बाद भी नई MSP पे खरीद हो रही है, किसान मारा घूम रहा है, औने पौने में उसका गेहूँ बिक रहा है, बिचौलिए मौज कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन महिला जिलाध्यक्ष हरदोई अम्बौता को आज हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार यहाँ पर ज्ञापन दिया है। जो हमारी 5 मांगे हैं, अगर उन मांगों पर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो हम लोग यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे और बाकी अपनी मांगों की जितनी भी समस्याएँ हम लोगों की हैं उसी पे हम लोग सरकार से बैठ के बात भी करने के तैयार हैं, क्योंकि जो सरकार ने वादा किया है अभी तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया। हमारा किसान दर दर भटक रहा है। बस क्या प्रमुख मांगे हैं? प्रमुख मांगे 5 हमारी, एक तो बिजली बिल माफ़ी और किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हो, और जो ये आवारा छुट्टा पशु इधर उधर घूम रहे हैं वो सब गौशाला पहुँचाया जाए। हम लोग किसानों की मांगों के लिए लड़ रहे हैं। डीजल देखिए क्या हिसाब जा रहा है, पेट्रोल क्या हिसाब जा रहा है, इन्होंने जो वादे किए थे उस पर मुकर रहे हैं। अब उसके लिए जो है हम लोग उनको जगाने के लिए आवाज़ अपनी उठा रहे हैं। किसान लोग क्या मांगे हैं? बहुत सी मांगे हैं, आप नहीं देख रहे हैं क्या? सिलेंडर कितने का जा रहा है, पेट्रोल के दाम आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, हर आदमी इतना परेशान है। आप ये बताइए, राशन देने से किसी का वो थोड़ी होता है, रोजगार है नहीं। आप बताइए रोजगार, हमारा नौजवान सारा जो है लड़का घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है, कोई उसकी ना नौकरी है ना कुछ है। बीते 5 सालों में भी कुछ नहीं हुआ, किसी को नौकरी नहीं मिली, अब फिर आदमी प्रयास कर रहा है अपनी, हर जगाने जो है परेशान हमारा किसान घूम रहा है। वही जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र में लगे ATM मशीन में आए दिन रुपए ना रहने और मशीन खराब रहने से कई बार इसकी खबर सामने आती है, जिससे जनता को काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। वही क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि बतौर मजबूरी नजदीक में कोई ना कोई व्यवस्था जो है ऐसी बनी रहती है। वही नेशनल बैंक में खाता चलाना पड़ रहा है। वही खाताधारक के पास में बुक प्रिंट और बैलेंस के लिए जानकारी भी दी गई। वही छोटे छोटे कामों के लिए घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है। बैंक हमेशा बंद रहता है, ATM बिगड़ा रहता, बैलेंस नहीं रहता और सदा डाउन रहता है हमेशा। अधिकारी से बात किया तो क्या बोले अधिकारी? अधिकारी बोले कि गड़बड़ है ATM। हाँ, एक हफ्ते बाद बनेगा, 2 दिन में लगाए हुए हैं, सिस्टम बहुत बेकार है।
वहीं अमेठी औद्योगिक क्षेत्र में जगदीशपुर के रोड नंबर 4 पर एपिक्स शूज लिमिटेड प्राइवेट कंपनी की जूता फैक्ट्री के नाम से जानी जाती है। बताया जहां की वर्करों का आरोप है कि मानदेय वेतन नहीं दिया जाता है, वहीं कंपनी के प्रबंधन राकेश कुमार द्वारा सादे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं और बोनस भी नहीं मिलता है, जिसको लेकर वर्करों ने मुख्यमंत्री के साथ साथ जिला के आला अधिकारियों से भी न्याय की गुहार लगाई है। वहीं कंपनी के वर्कर रंजीत यादव ने बताया कि विरोध करने पर कंपनी से बाहर निकाल देने की और दिल्ली ट्रांसफर कर देने की धमकी दी जाती है। अमेठी में सुबह सुबह अनियंत्रित रोडवेज बस से टकरा गई। देखते ही देखते चालक और परिचालक के साथ साथ बस में मौजूद करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वयोरिया में जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में श्रेणी की बबुआ का वीडियो वायरल होने के बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी ने स्पष्टीकरण मांगा और कठोर कार्यवाही करने की चेतावनी दे डाली है। तो बबुआ का ये वीडियो जहां पर आप देख सकते हैं अधिकारी ने चेतावनी दी है, ये वीडियो वायरल हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा सीएफ से अच्छी खबर सामने आई, जहां एक शादीशुदा लड़की ई रिक्शा चालक कर अपने परिवार का पालन पोषण करती है। विकलांग पिता और बीमार पति के इलाज के अभाव में लड़की खुद रिक्शा चलाकर अपने परिवार का जीवन यापन करती है। वही लड़की इसे मजबूरी बताते हुए इस काम से अपने आप को खुश बताती है और कहती है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, लड़की हुआ तो क्या हुआ, हम भारत की नारी है। कोई किसी का नहीं है, आप स्वयं करती है जी? अच्छा, शादी हुई क्या? हो गई। अच्छा अच्छा, पिताजी विकलांग है, माता जी है। तो अच्छा, कितना कमा लेती हैं आप दिन भर? 300 रुपये किराया निकालते हैं, उसके बाद जो बचता है। अच्छा, किराए से भी ली हो रिक्शा? किराए से रिक्शा है। 200 रुपये बचते हैं, वो हमारे काम आते हैं। अच्छा, इसी के माँ बाप को भी खर्च चलता है। तो आपको कैसा लगा? अच्छा लग रहा। वही बुलंदशहर के क्षेत्र अनूप शहर में महिला ने युवक पर रेप कर वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया। वही बता दें कि महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ रेप कर युवक ने उसका वीडियो वायरल कर दिया। वही पीड़िता अब थाने की चक्कर काट रही है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है। उसका नाम है, हम मंजित किराए पे रहते थे नेहरूगंज में, मंजित के मकान में। तो पिंकी नाम की थी, रहती थी हमारे बराबर में। वो मुझे ले गई थी किसी बहाने से बुला के कि आज कुछ काम है, उनने ले जा के मुझे गेट बंद कर दिया अंदर। उसका आदमी मंजित था मुझे, तो उसने चुनाव लगा के मेरा लड़का छीना मेरी गोद में से, मुझे धमकी दी तलवार की उसकी वजह से कि तेरे लड़के को मार देंगे, तेरे आदमी को मार देंगे, अगर तो तूने ऐसा नहीं करा है पाया हमारे साथ। तो मैंने डर के मारे करवा दिया। तो फिर बोली जो कहना मैंने ऐसा करवाया, उसने वीडियो बनाई उसकी पत्नी ने, और बोली जो अगर तू हम तेरी देंगे जब भी बुला करें हम, जब भी आना होगा तुझे। वही आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दूसरे दिन जोशीमठ गांधी में मैदान में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने अपने स्वास्थ्य परीक्षण कराया। वही सरकार की जन कल्याणी योजनाओं की जानकारी दी गई और अटल आयुष्मान कार्ड शिविर का आयोजन भी किया गया, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। हमारे ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेला आज हमारे गांधी मैदान जोशीमठ में आयोजित किया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य भारत सरकार की यह है, कि जो भी हमारे जो लोग जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, तो उन्हीं का उनका यहीं पे आयुष्मान कार्ड बन जाए। और इसके अलावा विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा प्रदान की है। यहाँ पे हमने नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, आँख रोग विशेषज्ञ और दंत रोग विशेषज्ञ की सुविधा की है। और होम्योपैथ से भी हमारे डॉक्टर्स उनके स्टाफ आ रखे हैं, सेवा जैसे आयुर्वेद के डॉक्टर स्टाफ आ रखे।
विधान संगठन ने पिछले 18 महीने से ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा कार्यों में सामग्री भुगतान नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए शीघ्र भुगतान की मांग के लिए दशोली विकास खंड परिसर में धरना प्रदर्शन करके भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वही सोमवार को दशोली प्रधान संगठन के अध्यक्ष नयन कुमार के नेतृत्व में CDO वरुण चौधरी को ज्ञापन सौंप कर कहा गया कि गांवों में स्थायी निर्माण कार्य का कराया जाए, वही सुरक्षा दिवाली CC मार्ग और पक्के निर्माण कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये धरना प्रदर्शन जो है प्रधान का जारी है, 4 दिन से अनशन पर बैठे हैं ये लोग। वही फिरोजाबाद के मक्खनपुर थाना क्षेत्र के गांव साथिया अंतर्गत एक 4 साल के बच्चे को उसके पिता द्वारा कुछ पदार्थ खिलाकर मारे जाने की बात सामने आई है। वही ग्रामीणों ने यह बात पुलिस को बताई। वही पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सही जानकारी का पता लगाया जा सकता है। मृतक के शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं पाए गए, इसलिए गला दबाए जाने की जो संभावनाएं है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस ने पंचनामा की कार्यवाही करके डेविड के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। थाना मक्खनपुर में शांति की एक रहने वाली महिला है जिसकी शादी करीब 11 वर्ष पूर्व शाहदरा आगरा में हुई थी। उसके पति का नाम सुनील है, ऑटो ड्राइवर है। पत्नी के विवाद के चलते पत्नी यहीं पर आके शिवरात्रि से रह रही थी और उसके साथ उसके 2 छोटे बच्चे भी थे। 2 लड़कियां हैं बड़ी जो शाहदरा में सुनील के यहाँ ही रह रही थी। कल रात में सुनील, जैसा कि घटना जो है रात को कल करीबन 7:30 बजे आए हुए और मतलब 10-11 बजे मैंने देखो है कि हाँ जी मतलब खटिया बैठा हो बच्चन के संग और सवेरे जी मार मूर के और मतलब निकल गए करीबन 3-4 बजे लगभग जी। हमें घटना मालूम पड़ी है 7 बजे के समथिंग। वही गदरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर प्रशांत चौहान ने बताया कि गदरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मनाया गया है और विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल यहाँ पर लगाए हैं। तो गदरपुर की ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आयोजन किया गया है। विभिन्न विभागों ने अपना जो स्टॉल है वहां पर लगाया है, स्वास्थ्य को लेकर भी वहां पर स्टॉल लगे हैं। आप देख सकते हैं वहां पर लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, इस आयोजन में पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं स्वास्थ्य केंद्र का आयोजन जो है वो किया गया है। सर, ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा आजादी के जो अमृत महोत्सव है उसको धूमधाम से मनाने के लिए बाल स्वास्थ्य मेला लगाया जा रहा है जो कि हर ब्लॉक में अपने ब्लॉक के स्तर पे लगाया जा रहा है। आज हम गदरपुर ब्लॉक में बाल स्वास्थ्य मेला को आयोजित कर रहे हैं और इसमें कई तरीके के स्टॉल जैसा कि आपने देखा है वो लगे हुए हैं। अब मैं RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, चिकित्सक एक ही छत के नीचे सारे डिपार्टमेंट्स आए हुए हैं, तो जिस भी मरीज को कोई भी प्रॉब्लम है वो एक ही छत के नीचे आकर के सारे अपने इलाज अपनी सुविधाएँ यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा ले सकता है। वही वहां संकीर्तन के उपलक्ष में भव्य कलश यात्रा निकाल गई। बता दें इस कलश यात्रा को वार्ड नंबर 7 दिनेशपुर प्राइमरी पाठशाला से प्रारंभ किया गया। दिनेशपुर नगर क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से होता हुआ महासंत कीर्तन स्थान पर आकर समाप्त हुआ। तो ये तस्वीर आप खूबसूरत तस्वीर देख सकते हैं जहां पर कलश यात्रा जो है वो निकाली गई है। लोग नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए ये पूरी की पुलिस कलश यात्रा जो है वो संतीर्ण स्थान पर जाकर समाप्त हो गई है। वही गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को पुलिस की कड़ी सुरक्षा और व्यवस्था के बीच जिला अस्पताल लेकर पहुंचा गया, जहां जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसका ब्लड सैंपल लिया और लेकर विभिन्न प्रकार जांच के लिए भेज दिया है। वही जांच रिपोर्ट आने के बाद मुर्तजा अब्बासी के फ्रैक्चर होने के साथ उसका ऑपरेशन भी किया जाएगा। तो मुर्तजा अब्बासी की बात करें तो गोरखनाथ मंदिर में जिस तरीके से मुर्तजा अब्बासी घुसा था और ऐसे में तमाम ऐसी जानकारी भी निकल के सामने आ रही थी मुर्तजा अब्बासी को लेकर के, उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया था और अब जो है
उसे अस्पताल ले जाया गया है, फ्रैक्चर की बात कही जा रही है डॉक्टर की तरफ से, और इसके साथ ही अब उसका ऑपरेशन जो है हाथ का किया जाएगा, ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। वही हरदोई के गोपामऊ कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पंथ संचलन निकाला गया, तो मुस्लिमों ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। इसका बता दें कि यहाँ पंथ संचलन में मुस्लिमों ने फूल बरसाकर भारत माता की जय के नारे लगाए। ये खूबसूरत तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर मुस्लिमों ने पंथ संचलन पर पुष्प वर्षा की है, भारत माता के जय के नारे लगाए गए। ये हरदोई की ये तस्वीर है जो आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ नगर पंचायत में आरएसएस की तरफ से पथ संचलन कार्यक्रम हुआ था, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग आए थे और सभी लोग वहाँ पर पथ संचलन में शामिल हुए। और वहाँ पर जब हमारे नगर में निकले तो कई जगह फूल बरसाए गए, उस वर्षा की गई उन लोगों पर। मेरे द्वारा जो है बस स्टॉप पर चौकी के बगल में 3 जगह पुष्पों की वर्षा की गई और जोरदार ढंग से स्वागत किया गया। वही एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित ट्रक ने रोडवेज बस में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बस सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बता दें घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची एसडीएम ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां पर उनका उपचार जारी है। रात लगभग 11:30 बजे के आसपास एक यूपी रोडवेज की बस थी कौशाम्बी डिपो की, जो दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तो यहाँ तिरवा में एक 196 पे लगभग जो फगवा भट्टा है उससे लगभग 1 किलोमीटर आगे उसका कोई एक्सीडेंट हो गया। ट्रक से कोई ट्रक साइड मारकर चला गया तो उससे जो बीच में डिवाइडर पे वो आ गई, उसमें कुछ लोग घायल हो गए थे। तो सूचना मिलने पर हम एसओ तिरवा और एसओ खटिया वहाँ पहुँचे थे, एम्बुलेंस की गाड़ी पहुँची थी। तो वहाँ ड्राइवर और एक सहायक ड्राइवर और एक कंडक्टर, ये 3 लोग थे, 3 को एडमिट कराया था हमने मेडिकल कॉलेज में। उसकी टक्कर जहाँ पर करीब घायल हुए हैं लोग, बता दें कि वही एसडीएम का जो जानकारी निकल के सामने आई उनकी तरफ से वो यही कहा जा रहा है कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि किस वजह से ये टक्कर हुई, क्या कारण था, इसकी जानकारी भी निकल के सामने नहीं हो पा रही है, लेकिन मौके पर पहुंचे एसडीएम ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां पर उपचार उनका लगातार जारी है। हालांकि किसी की मौत की खबर जो है वो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन तस्वीर देख सकते हैं एसडीएम ने जिला अस्पताल पहुंचे एसडीएम और जहां पर वो मरीजों को देख रहे हैं कि यात्री ठीक हैं कि नहीं है जो घायल हुए थे। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, कन्नौज की तस्वीर है जहां पे ट्रक और रोडवेज बस की जोरदार टक्कर हुई है। हालांकि कारण क्या था इसका भी पता नहीं लगाया जा सका है। वही थराली में शाम करीब 5 बजे अचानक नयाबगढ़ क्षेत्र के आसपास तेज तूफान आने से चारों ओर धूल ने यहां पर दुकानदारों और आम लोगों को मुसीबत में डाल दिया। लोग तूफान और धूल धक्कर से बचने के लिए दुकानों में घुसने लगे, इससे दुकानदारों को अपने बाहर सजाए सामानों को संभालने भी भारी पड़ने लगा। कई दुकानों के बाहर लगे सामान धूल और कबाड़ से पट गए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाला यातायात कुछ देर जहां तक ठप हो गया, तो क्योंकि तेज आंधी की ओर आते हुए पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। बता दें ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर तेज आंधी की वजह से लोगों की दुकानें जो हैं वो बंद हो गई है, उसके साथ जो सामान रखे थे बाहर, जो सजाए गए थे सामान दुकान के बाहर, वो भी पूरी तरीके से ठप हो गए। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं तेज आंधी की वजह से यहां पर पूरी दुकानें जो हैं वो बंद हो गई। वही उधम सिंह नगर में अवैध निर्माण की शिकायत पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला के उसे ध्वस्त कर दिया। बता दें एसडीएम तुषार सैनी ने बताया कि अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही कहा कि मुख्य मार्ग पर जिन लोगों ने कच्चा पक्का अवैध निर्माण कर रखा है वो स्वयं हटा ले, नहीं तो प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगी। कार्रवाई के दौरान राजस्व नगर पालिका पीडब्ल्यूडी भी प्रशासन की टीम के साथ मौजूद है।
तो प्रशासन ने अवैध निर्माण जो है ध्वस्त कर दिया। जहां एक तरफ देखा जा रहा था लगातार, उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो बुलडोजर कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभा रहा था, और जितने भी अवैध तरीके से जो निर्माण किए गए थे उसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा था। और ऐसे में उद्यम सिंह नगर की अब तस्वीर सामने आई है, जहां पर बुलडोजर द्वारा जो अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त किया जा रहा प्रशासन की तरफ से। कैंप रोड तक हम इसको आज कर रहे हैं, अभियान जो है वो लगातार अभी जारी रहेगा जब तक कि शहर के सभी क्षेत्र कवर नहीं हो जाते हैं या दो बार कवर नहीं हो जाते हैं। और इसमें हमने पहले ही सभी को नोटिस, जो परमानेंट है उनको तो नोटिस दिया हुआ है, और जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है उसके लिए हमने प्रॉपर अनाउंसमेंट कराई है। और अभी हमने आज जेल कैंप तक हमने लगभग कवर कर लिया है, बाकी अभियान जो है वो लगातार जारी है। देखिए अभी आज हमने शुरुआत की है, जैसे जैसे अभी हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड का ये हटा है अतिक्रमण, कल से हम इसी क्षेत्र में राइट हैंड साइड से आएंगे, बाजार भी है उसमें कवर करेंगे उसको भी। सिद्धार्थनगर में कार ने मोटरसाइकिल और टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें जिसके बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पूरा का पूरा मामला जोगिया थाना क्षेत्र के फजीदाबाद नाले का बताया जा रहा है। तो चलिए खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।